हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हमें मैक्सिमम टाइम लो लाइट सिचुएशन फेस करना पड़ता है, इसीलिए लो लाइट में हाई आईएसओ यूज़ करना पड़ता है और हाई आईएसओ के वजह से इमेज में नॉइज जनरेट होता है, तो इमेज से नॉइज रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिससे आप नॉइज रिमूव कर सकते हो, बट वो सारे सॉफ्टवेयर बहुत बहुत कॉस्टली है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। एडोबी फोटोशॉप ने रिसेंटली एक न्यू फीचर रिलीज किया है जो कि फोटोग्राफी के दुनिया में एक क्रांति ले आने वाला है रिगार्डिंग नॉइज रिमूवल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस न्यू फीचर को यूज़ करके आपकी इमेज से नॉइज को रिमूव कर सकते हो एंड नॉइज फ्री इमेज जनरेट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये फीचर यूज़ करने के लिए आपके पास दो चीज़ होना चाहिए। फर्स्ट, ओरिजिनल फोटोशॉप या लाइटरूम इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, बिकॉज क्रैक वर्जन में ये फीचर नहीं होगा। सेकेंडली, आपको फोटोग्राफ रॉ में शूट करना पड़ेगा बिकॉज ये फीचर फोटोशॉप के कैमरा रॉ में है। अगर आप जेपेग में शूट करते हो तो ये फीचर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। आप ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो, ये एक स्कारलेट फिंच मेल की फ़ोटो है। ये फोटोग्राफ मैं ISO 3200 में लिया था बिकॉज अर्ली मॉर्निंग का टाइम था एंड लाइट काफ़ी ज़्यादा कम था, इसीलिए ISO ज़्यादा इनक्रीज करना पड़ा। आप अगर क्लोजली देखोगे तो हाई ISO के वजह से इमेज में काफ़ी ज़्यादा डिजिटल नॉइज़ है। अगर मैं इमेज को जूम इन करता हूँ तो आपको नॉइज़ दिखेगा। देख रहे हैं, मैं इमेज को जूम इन कर रहा हूँ, कितना नॉइज़ है, नॉइज़ ही नॉइज़ है। देखिए, मैं 100% जूम इन किया, अभी आप देख रहे हो इमेज में कितना नॉइज़ है। बैकग्राउंड, सब्जेक्ट, सब जगह नॉइज़ है। नॉइज़ के वजह से ये इमेज एकदम प्रेजेंटेबल नहीं है। इवन मैं इस नॉइज़ी इमेज को सोशल मीडिया में भी पोस्ट नहीं कर पाऊँगा। बट अभी फोटोशॉप का जो न्यू नॉइज रिमूविंग फीचर आया है, मैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस इमेज को प्रेजेंटेबल बनाऊंगा ताकि एटलीस्ट मैं सोशल मीडिया में यूज़ कर पाऊँ। तो लेट्स ओपन दिस इमेज इन फोटोशॉप। ये एक रॉ फाइल है बिकॉज मैं रॉ में शूट करता हूँ, तो ये फाइल कैमरा रॉ में ओपन होगा। तो देखिए, ये फोटो कैमरा रॉ में ओपन हो चुका है। मैं कैमरा रॉ का लेटेस्ट वर्जन 15.3.1 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसी में ये ओपन हुआ है, देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स, नॉइज रिमूव करने से पहले इस इमेज का कुछ बेसिक एडजस्टमेंट मैं करूँगा। तो फर्स्ट, गो टू ऑप्टिक्स पैनल एंड टिक बोथ द चेक बॉक्स। ये करने से आपकी इमेज का क्रोमेटिक एपरेशन रिमूव होगा एंड प्रोफाइल करेक्शन हो जाएगा। आफ्टर दैट, गो टू बेसिक टैब एंड डू द बेसिक एडजस्टमेंट लाइक वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, हाईलाइट्स, ब्लैक पॉइंट एंड वाइट पॉइंट। तो ये मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। बेसिक एडजस्टमेंट करने के बाद गो टू द टोन कर्व टैब एंड एडजस्ट द टोन ऑफ द इमेज। बेसिक एडजस्टमेंट के ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहते हो तो वो वीडियो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। तो नॉइज रिमूव करने के लिए गो टू डिटेल्स टैब एंड क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आपको एक न्यू फीचर देखने को मिलेगा विच इज नॉइज रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए, डी नॉइज बोल के एक ऑप्शन है, देख रहे हैं। मैं कर्सर को यहाँ लेके गया, डी नॉइज ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन इट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा टू एनालाइज योर इमेज एंड उसके बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगा इनहेंस बोल के, देख रहे हैं, ये पॉपअप विंडो आ गया इनहेंस बोल के। अगर आप इस विंडो में इमेज के ऊपर कर्सर को प्रेस करोगे
तो विदाउट एनहांस इमेज देख पाओगे। एंड जैसे ही कर्सर को छोड़ दोगे एनहांस्ड इमेज विद नॉइज रिडक्शन देख पाओगे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस पॉपअप विंडो में राइट साइड में डीनॉइज का अमाउंट भी दिया हुआ है। आप चाहो तो मैनुअली अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हो। जब आपको लगेगा डीनॉइज एंड इमेज एनहांस ठीक है, तब जो एनहांस टैब है राइट साइड बिलो में, देख रहे हैं राइट साइड बिलो में जो एनहांस टैब है, जस्ट क्लिक ऑन इट। ये कुछ टाइम लेगा इमेज को एनहांस एंड डीनॉइज करने में। आप राइट साइड बिलो में इमेज का जो प्रोग्रेस है वो देख पाओगे। देखिए मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो राउंड सर्कल है यहाँ पे ये इमेज का प्रोग्रेस दिखा रहा है। अराउंड 1 to 2 मिनट लगता है इमेज को प्रोसेस करने में। तो देखिए इमेज प्रोसेस हो गया एंड फोटोशॉप ने AI टेक्नोलॉजी के हेल्प से एक न्यू DNG फाइल क्रिएट किया है आफ्टर एनहांसिंग द इमेज। देख रहे हैं दिस इज़ द न्यू फाइल DNG फाइल, और ये प्रीवियस वाला जो ओरिजिनल फाइल है विदाउट नॉइज रिमूविंग फाइल जो है ये वो फाइल है, और ये जो बाजू में जो फाइल आप देख रहे हो ये DNG न्यू फाइल है। इसमें AI टेक्नोलॉजी के मदद से फोटोशॉप ने इसको डीनॉइज किया है। अभी अगर मैं इस इमेज को जूम इन करता हूँ तो आप क्लियरली डिफरेंस देख पाओगे। देख रहे हो कितना डिफरेंस है पहला वाला में और अभी नॉइज रिमूव के बाद। फोटोग्राफ पूरा एनहांस हो चुका है, शार्पनेस भी ठीक है और उसका नॉइज भी कुछ नहीं है, ना बैकग्राउंड में नॉइज है, ना सब्जेक्ट में नॉइज है, कहीं पे भी कुछ नॉइज नहीं है। तो फ्रेंड्स देख रहे हो ये न्यू फीचर कितना ब्यूटीफुली इमेज से नॉइज को रिमूव किया है एंड इमेज का शार्पनेस भी इंक्रीज किया है जस्ट वन क्लिक में। दिस इज जस्ट ऑसम। तो अभी मैं इसको एटलीस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स इमेज को सेव करने से पहले मैं और कुछ एडजस्टमेंट इसमें करूंगा, क्योंकि इसको सिर्फ नॉइज रिमूव हुआ है, अभी इसको क्रॉप करना है, इसको एडजस्ट करना है, तो ये जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ।
तो फाइनली इमेज मेरा रेडी हो चुका है। देख रहे हैं इमेज कितना क्लीन एंड शार्प है, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर देखिए, तो आप समझ पाएंगे इमेज कैसा था और अभी कैसा है। अभी जो जो इमेज आप देख रहे हो ये सब का बिफोर और आफ्टर देखिए। मैं इसी टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसके बैकग्राउंड से नॉइस को रिमूव किया हूँ और इसको शार्प बनाया हूँ। तो थैंक्स टू एडोबी फोटोशॉप फॉर दिस यूनिक एंड ऑसम फीचर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।